नरसिंहपुर में किसान का खेत गिरवी रखवा कर घूसखोरी के आरोप में आमगांव चौकी प्रभारी दीप्ति मिश्रा सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आमगांव चौकी पुलिस द्वारा किसान को धमकाने और शराब तस्करी के फर्जी मामले में सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जिस पुलिस पर रक्षा का दायित्व है वे ही अगर अपराध में फंसाने की धमकी देकर वसूली करेगी तो आम लोग किस पर भरोसा करें। नरसिंहपुर जिले के आमगांव में ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहां कुछ पुलिसकर्मियों पर किसानों के खेत खुद गिरवी रखवाकर अवैध वसूली करने के आरोप लगे हैं। किसानों से 1 लाख लेने के बाद 50,000 रुपए और मांगे थे। जब किसान ये राशि नहीं दे पाए और पुलिस की धमकी से परेशान हो गया, उसने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की। मामले में SP विपुल श्रीवास्तव ने पुलिस स्टाफ को जांच में दोषी पाया। नरसिंहपुर SP ने DSP से मामले की जांच कराई और जांच में आमगांव चौकी प्रभारी दीप्ति मिश्रा सहित 4 लोग दोषी पाए गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आमगांव चौकी का एक विषय है ये। आमगांव चौकी पर जो शराब पकड़ी थी, जिसकी शराब पकड़ी थी उसके अलावा जो इतर पूछताछ के लिए लाए गए थे उनके साथ में इस तरह की बातचीत का विषय ध्यान में आया है। चौकी प्रभारी थी जो दीप्ति मिश्रा, उनके सहित 4 लोगों को निलंबित कर। नरसिंहपुर से आकाश गौरव की रिपोर्ट।